जमतारा से बोलेरो चला करके इधर आए थे और इधर बजाज अलायंस का ई वैलेट यूज करते हुए इधर शॉपिंग करते हुए पाए गए हैं और बजाज अलायंस में उनके मालिक द्वारा जो है उसको ट्रैक किया गया। तब पता चला कि इधर बोकारो मॉल में उनका शॉपिंग हो जा रही है और तब जैसे ही सिटी थाना को सूचना मिली तो सिटी थाना के मदद से जो है उस पर्टिकुलर अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार के पश्चात ये पता चला है कि ये लोग जमतारा में सिम कार्ड को ब्लॉक करके बजाज अलायंस का डेटा को चुरा करके और उसके अनुसार उसमें जो ई वैलेट में जो ओटीपी आता है उस ओटीपी के आधार पर इधर परचेसिंग कर लेता है जो चोरी फिर बाद में उसको बेच के चोरी कराता है। उस टाइप का एक केस है। उसमें उनके माध्यम से करीब 18,000 रुपये का शॉपिंग इधर बोकारो मॉल में किया गया और जो शॉपिंग किया गया सामान के साथ उसको पकड़ा गया और कांड आगे भी अनुसंधान अंतर्गत है क्योंकि इसमें साइबर फ्रॉड में एक नया टेक्निक हम लोगों के सामने आया। और बजाज अलायंस ग्रुप के बात करने से ये पता चला कि अभी इस 3 महीने में करीब 7 करोड़ रुपया जो है देश के विभिन्न ब्रांचेस में इनका इस टाइप का ठगा गया है जिससे बजाज अलायंस को भी लॉस हुआ है और बोकारो धनबाद इलाका में कम से कम 4 लाख रुपया के करीब जो है चोरी गया। तो उसमें अभी पहली कड़ी में हम लोग एक गैंग को बस्ट किए और आगे का अनुसंधान में इस पूरा कंप्लीट गैंग को हम लोग बस्ट करेंगे। इतने सारे आईडी इनके पास से बहुत सारा आईडी भी बरामद हुई और इसका सत्यता भी हम लोग जांच करेंगे। अगर फोर्ज पाया जाएगा तो जरूर जो है उस पर भी